हाँ भाई, हम क्या कह रहे हैं? अब आता है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या हुआ, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से बहता हुआ पानी। तो ये है डायनेमिक फ्लूइड्स, और डायनेमिक फ्लूइड्स में हम क्या कह रहे हैं कि एक तरीके से बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी। जैसे अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो एक्चुअली रुके हुए पानी की बात कर रहे थे, अब हम बहते हुए पानी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम बहते हुए पानी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आ जाती है एक तरीके से वो विस्कोसिटी आ जाती है। लेकिन इसके अंदर हम पहले ही मान रहे हैं कि लिक्विड क्या है, नॉन विस्कस। क्या बात समझ में आ रही है? यस विस्कोसिटी हमने शुरुआत में पढ़ी थी, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन से रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की बात चली थी। सबसे पहला जो लेक्चर क्लास का लिया था वो विस्कोसिटी कराई थी, जब मैंने शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की बात करी थी, जब लिक्विड को मैंने शेयर के हिसाब से बताने की कोशिश करी थी। तो रिकॉर्डेड भी मेरे पास ऑनलाइन डाला था। क्या कह रहे हैं कि विस्कोसिटी, जब हम कह रहे हैं कि आई का होता है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, या नॉर्मल जो फ्लूइड होता है, नॉर्मल फ्लूइड क्या होते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट चल, मतलब ये पानी, अगर ये सरफेस है, अगर इसके ऊपर पानी बह रहा है तो पानी की अपनी कोई थिकनेस होगी। हाँ के ना? तो होता क्या है कि जो लेयर पानी, जो पानी की लेयर एक तरीके से जमीन के साथ होती है वो उसी के जैसी हो जाती है, मतलब ये रुकी जाएगी उसकी तरह। लेकिन जो उससे ऊपर होगी वो क्या करेगी, थोड़ी सी आगे जाएगी कुछ ऐसे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये नीचे वाली तो बिल्कुल रेस्ट पे रही, लेकिन दूसरी वाली इससे थोड़ी सी आगे निकल गई। फिर क्या हुआ, थोड़ा और, ये थोड़ा और आगे, और देखोगे तो और आगे, ऐसे। बात समझ में आ रही है? नहीं? इस तरीके से ये चीजें थोड़ी थोड़ी आगे आगे अपने आप होती चली जाएंगी। थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है कि क्या हो रहा है, पानी कैसे आगे जा रहा है। तो सबसे ऊपर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, जो सबसे नीचे है उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। इसी की वजह से क्या आता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम क्या कहते हैं कि भैया यहाँ पे जो लिक्विड है वो सबसे ज्यादा आगे चला गया, जितनी हाइट ऊपर जाएगा उतना ही सबसे ज्यादा आगे जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं? क्लैरिटी है क्या? हम जब शेयर स्ट्रेन करते थे तो यही लिखते थे, एक्स अपॉन वाई, यही होता है शेयर स्ट्रेन। लेकिन लिक्विड के अंदर हम लेंथ नहीं बता सकते, उसमें क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी। तो इसलिए लिक्विड के अंदर आता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन मतलब एक्स अपॉन टी, तो एक तरीके से वेलोसिटी अपॉन वाई। क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं? एक तरीके से इसको हम डी वी अपॉन डी वाई लिखते हैं, सॉरी, एक तरीके से हम इसको डी वी अपॉन डी वाई लिख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अच्छा, शेयर स्ट्रेन होता किसके बराबर था? तो हमने क्या कहा, एक तरीके से शेयर स्ट्रेस के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू, अभी आएगी विस्कोसिटी के बराबर, क्योंकि अब जी मतलब ये चेंज हो जाएगा फंक्शन, इज इक्वल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। क्लैरिटी है या नहीं? तो इस तरह से हमारा जो फोर्स आता है, विस्कस फोर्स, वो किसके बराबर आता है, ईटा ए इंटू डी वी बाय डी वाई। कुछ कुछ समझ में आया है? नहीं? इसीलिए जो ईटा होगा उसे क्या बोलेंगे, एफ इंटू एक तरीके से ए इंटू डी वी बाय डी वाई। मीटर पर सेकंड होता है तो ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन होती है, ऐसा यूनिट एक तरीके से। डायमेंशन देखोगे तो क्या आएगी, एम एल टी माइनस टू इंटू टी डिवाइडेड बाय टी टू, तो एक तरीके से आ जाती है एम एल माइनस वन टी माइनस टी माइनस वन, ये इसकी डायमेंशन है, ऐसा यूनिट ये हो गई। क्लैरिटी है या नहीं? इस डी वी अपॉन डी वाई को क्या कहते हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, या वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोला जाता है। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि लिक्विड मैंने आइडियल मान रखा है, और आइडियल लिक्विड के अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं होती, तो कहते हैं हम आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस फ्लूइड। क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं? तो बर्नौलीज थ्योरम के लिए नॉन विस्कस होना जरूरी है। तो हमने कहा डायनेमिक फ्लूइड मतलब बहता हुआ पानी, आइडल फ्लूइड रहेगा तो इसमें नॉन विस्कस फ्लूइड है। अच्छा, नॉन विस्कस होगा, साथ में साथ क्या होगा, नॉन कंप्रेसिबल। नॉन कंप्रेसिबल मतलब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, वैसे ही बहुत मुश्किल होती है चेंज, एयर की हो सकती है। तो फ्लूइड के अंदर जब एयर करेंगे तो उसमें कंप्रेसिबल हो सकती है, लेकिन जब हम वाटर की बात करेंगे तो वो नॉन कंप्रेसिबल रहती है। क्लैरिटी है? इसलिए जब हम एयर फ्लो लेते हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको समझना, ठीक है ना? उसकी फिजिक्स ही अलग चल रही है, पढ़ाई तो हमें गई थी, हमें समझ में कुछ नहीं आई थी इंजीनियरिंग में, एडवांस में।
फिर क्या कह रहे हैं हम, नॉन कंप्रेसिबल हो गया, एयर रोटेशनल। एयर रोटेशनल मतलब कि जो पार्टिकल है जब चल रहा होगा तो घूमेगा नहीं, अब ऐसा जरूरी थोड़ी है। सोच के देखो, एयर पार्टिकल है, एयर पार्टिकल चलता वो घूम सकता है, नहीं घूम सकता भाई? एयर कहीं प्रेशर ज्यादा हुआ कहीं कम हुआ, घूम जाएगा साथ के साथ ही। कोई गोल चीज है तुमने फेंकी, फेंकेगी तो साथ में घूमेगी नहीं घूमेगी, ये सोच के देखो। कोई बॉल ली तुमने, वो फेंकी, फेंकते हुए घूमेगी या नहीं घूमेगी? तो घूमनी जरूरी है, वो तो रोक ही नहीं सकते। लेकिन हमने आइडियल कंडीशन मांगी तो हमने क्या बोल दिया कि जो फ्लूइड है वो क्या है, इरोटेशनल। क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं, कोई डाउट? इसके बाद आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या कहते हैं कि ये वाला स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, मतलब एक ही लाइन में जो पार्टिकल है वो एक ही लाइन में चलता चला जाता है। ये अब इससे फायदा क्या होता है, इससे हम कहते हैं कि अगर मान ले कोई भी पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस पॉइंट से एक पार्टिकल पास होंगे या बहुत सारे पास होंगे? बहुत सारे। लेकिन स्ट्रीमलाइन फ्लो के फायदा ये कि जो भी पार्टिकल इस पॉइंट से पास होगा उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम होगी। जो भी पार्टिकल इस पॉइंट से पास होगा उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम। अब वो कोई भी हो सकती है, वो वेलोसिटी हो सकती है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है, कुछ भी। वो काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी, सब इस पार्टिकल इस पॉइंट से जो पास होगा, जितने पार्टिकल पास होंगे सबके सबकी प्रॉपर्टी सारी की सारी क्या होंगी, सेम। इसी को क्या कह रहे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? स्ट्रीमलाइन फ्लो की अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अभी ड्रॉ कर रखी है मैंने कि इस स्ट्रीमलाइन फ्लो पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डाल दूंगा तो एक तरीके से वो उस पार्टिकल की डायरेक्शन दिखाएगा, उस पॉइंट पे वो कहाँ जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं, कोई डाउट है? जैसे कोई पाथ लेते थे और उस पर टेंजेंट डालते थे और एक तरीके से उसकी वेलोसिटी आ जाती थी, तो ये वही लॉजिक है। कोई डाउट? क्योंकि नीचे लिखा भी हुआ है, टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन स्ट्रीमलाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। अब जब वो डायरेक्शन बता रही है तो इसका मतलब क्या है, दो स्ट्रीमलाइन मिल नहीं सकती क्यों? अब मान ले दो स्ट्रीमलाइन मिली, मतलब जो पार्टिकल यहाँ होगा वो इधर भी जा रहा है और वो इधर भी जा रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया एक दो स्ट्रीमलाइन आपस में मिल नहीं सकती, तो टू स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एनी पॉइंट। मैंने बताया ना, एक पॉइंट पे जो भी पार्टिकल पास होंगे उनकी प्रॉपर्टी सारी सेम होंगी, तो वेलोसिटी भी सेम होगी प्रत्यक्षात नीचे कर ले। कोई डाउट यहां तक तो बताओ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि इफ अ स्फेरिकल बॉल इज प्लेस्ड इट विल नॉट रोटेट। तो ये रोटेशनल तो बता ही दिया मैंने, अब बॉल तो वाटर ड्रॉपलेट्स तो हमें स्फेरिकल ही माननी पड़ेंगी, लेकिन वो रोटेट नहीं होंगी। कोई डाउट यहां तक तो बताओ, यहां तो कोई भी डाउट होगा? पक्का समझ में आ रहा अच्छा है? बेसिकली जब तूने बॉल फेंकी तो रोटेट नहीं हो रही, वो सीधी सीधी जा रही है। मतलब पानी का जो होते हैं ना पाइप होते हैं, तुमने पानी की पाइप के अंदर एक बॉल डाल दी, अब वो बॉल बिल्कुल सीधी जाएगी, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम इजी रखने के लिए मान लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर रोटेशनल वाली इक्वेशन लेनी पड़ती है। अब तो ऐसा मान लो, ये जो जो हमने ली है ना, क्या नॉन विस्कस मतलब फ्रिक्शन विस्कोसिटी होगी, इंटरनल फ्रिक्शन होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल एयर कंप्रेसिबल होती है, एयर रोटेशनल रोटेट करती है, तीनों की अपनी अपनी इक्वेशंस बनती। अगर तुम एक साथ तीनों को सॉल्व करने बैठे तो नहीं, बात समझ। विस्कोसिटी की अलग इक्वेशन होगी, वो आएगी कि उसकी वजह से लॉसेज आएंगे। नॉन कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल होती है तो अलग लॉसेज आते हैं, एयर रोटेशनल होगी तो अलग एनर्जी कंज्यूम करेगी, तो तीनों अपनी अपनी क्या करेंगी, एनर्जी कंज्यूम। तो जब तुम एनर्जी इक्वेशन लगाओगे तो तीनों चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेंगी, तो चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी। हम चीजों को आसान बनाना चाह रहे हैं तो हम कह रहे हैं भैया देखो, एयर रोटेशनल भी नहीं है, कंप्रेस भी नहीं हो सकती, विस्कोसिटी भी नहीं है, आप तो कर लो। बस समझ में आ रही है? नहीं, बच्चे फिर भी कहते हैं कि क्या ही कर लें, है ना? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का समझ में आया क्या लिखा है यहाँ तक? थ्योरी है, अपने आप लिख देना बाद में, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। अब बहुत आसान सी चीज है, बस उसको न्यूमेरिकल डाल के कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स में हमें एक्सप्लेन करना होता है, तो उस हिसाब से देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड है, और वैसे सोचोगे तो आसान है। जैसे मान ले क्या किया, मुझे वहां पे टंकी रखी हुई है, मैंने पाइप लगाया और यहाँ पे पानी फेंकना है, ठीक है, या पानी पौधों में पानी डालना है या कहीं पे पानी इकट्ठा करना है। अब जितना उस पांच टैप में से पानी निकलेगा उतना ही पाइप में से भी पानी निकलेगा, ऐसा तो नहीं बीच में से पानी कहीं चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए जब हम उसका मुंह बंद करते हैं तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, याद है? देखा होगा, तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई क्योंकि एरिया कम किया तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई। इसमें कोई डाउट? पक्का समझ में आ रहा है? अब
बस यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो कैसे बताते हैं, तो मोटा मोटा हम कहते हैं कि भैया देखो जितना मास यहां से निकलेगा उतना ही मास यहां से बाहर निकलेगा, कोई डाउट? तो हम क्या बोलेंगे कि M1, अब इसमें क्या होता है, लिक्विड के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, इन लिक्विड्स हमें ध्यान रखना है कि हम मास जनरली नहीं बताते, हम बताते हैं मास फ्लो रेट। क्या बताते हैं? मास फ्लो रेट। अब ये नई नई टर्म्स आएंगी, मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, बस समझाने के लिए, क्योंकि लिक्विड की कोई पर्टिकुलर लेंथ होती नहीं। यही बस समझ, पक्का भी देखो समझ में आई है नहीं? क्योंकि जब बह रहा है तो उसकी क्या लेंथ है भैया, वो तो 1 सेकंड में कितना बहा वो लेंथ हो गई। यही बस समझ, पक्का? तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें मास फ्लो रेट होता है, तो एक होता है एम, एम अपॉन टाइम, और एम अपॉन टाइम क्या होगा, मास फ्लो रेट। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं। एम अपॉन टाइम इज मास फ्लो रेट। एम अपॉन टाइम को आसान भाषा में एम डॉट भी लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, यहाँ पे बहुत कुछ आता है, एम डॉट लिख देते हैं। तो ये है मास फ्लो रेट, कोई डाउट यहाँ तक? अब मैंने कहा था जितना यहाँ से, इसको 1 बार दे दिया मैंने, तो मैंने कहा भैया जितना पानी यहाँ से आएगा उतना ही पानी यहाँ से जाएगा, हाँ के ना? अब कोई सर नहीं, मुझे इसमें ये समझ में नहीं आ रहा, कि भाई मोटा मोटा में ये तो पता है कि जो पानी मास आएगा वहां से वो बराबर होगा, तो M1 इज इक्वल टू M2, इसमें कोई डाउट? लेकिन अब हम कह रहे हैं कि भाई मास फ्लो रेट तो हम बता नहीं पाते, तो हम क्या बताते हैं, सॉरी मास फ्लो रेट बताते हैं, मास तो बता नहीं पाते, तो इसमें क्या करते हैं, फिर मास फ्लो रेट को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं ऐसे, ताकि बस थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ भाई ठीक है, बस समझ में आई है नहीं? तो M1 डॉट और M2 डॉट, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाए, घूम फिर के आना भाई, ज्यादा कुछ हो गया। लेकिन एम डॉट क्या है, मास फ्लो रेट, हाँ, और तो एम डॉट से भी मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि मैंने उसको मास से बराबर किया ना, जैसे एम डॉट को मैंने क्या लिखा, एम इंटू एम अपॉन टी, इसका मतलब एम किसके बराबर हो गया, एम डॉट इंटू टी, ये तो लिखा ऊपर, क्लियर है भाई, क्लियर है? अच्छा, अब मास क्या होता है, एक तरीके से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन अब यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं लिख सकते, तो क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन, जैसे मास अपॉन टाइम है, वैसे भी ये क्या है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो इसको वॉल्यूम फ्लो रेट बोलेंगे, तो V1 डॉट रो टू V2 डॉट, तो एक तरीके से क्या बोलेंगे, V1 डॉट इज V1 अपॉन टाइम विच इज वॉल्यूम फ्लो रेट, कोई डाउट है यहाँ तक तो बताए। अच्छा वापस से, अब हम क्या कह रहे हैं भैया, जैसे वॉल्यूम फ्लो रेट है, अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ लिख सकते थे भाई, वॉल्यूम नॉर्मल क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, और लेंथ अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी, आंखे ना? तो इस तरह से V1 डॉट को आप क्या लिखेंगे, A1 स्मॉल V1 इज इक्वल टू रो टू A2 स्मॉल V2, कोई डाउट? वॉल्यूम फ्लो रेट को मैंने क्या लिख दिया, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब ये 3 स्टेप तुम्हें ध्यान रखने हैं। अब इसमें मैंने क्या बोला पहले कि वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल तो उसकी डेंसिटी चेंज होने वाली, इसका मतलब रो वन किसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, नहीं ये बात समझ, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया, रो वन रो टू के बराबर हो गया, तो बचा क्या, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, कोई डाउट यहाँ पर? पक्का समझ में आ गई, क्लैरिटी है, बढ़िया। इसे कहते हैं, इस लास्ट इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो कोई का इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिराइव करो, जो 2 नंबर में पूछी जा सकती है आराम से आपके स्कूल्स के लिए, अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कोई डाउट है यहाँ तक तो बता, पक्का क्लैरिटी है यहाँ तक, बढ़िया। और देखते हैं और हम क्या कह रहे हैं। अब जैसे यहाँ पूछा गया कि भाई पानी था, पानी की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड का लिख लो चाहे, ओके। तो अब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल क्या है कि एक वेलोसिटी है यहां से जो निकल रही है पानी की, वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ, यहां से जब पानी निकला तो नीचे गया, नीचे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी,
ऊपर से नीचे गिरता है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बचपन से सीख रहे हो, बॉल नीचे छोड़ी, नीचे गई, वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ी, तो अब हमें कहा गया कि एरिया का क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, या होगा कितना होगा। तो मैंने कहा भैया देखो, जितना पानी यहां से गिरेगा उतना ही वहां नीचे आएगा, तो एक तरीके से जो अभी पढ़ा, क्या ए वन बी वन किसके बराबर होगा, ए टू, इसमें कोई डाउट? अच्छा ए वन कितना, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ए इंटू 10^-4। वेलोसिटी कितनी, 10। ए टू निकालना है, बी टू भी निकालना है, तो दो वेरिएबल होगा, बी टू कैसे निकालें? तो उसने कहा कितना नीचे गिरना है, तो उसने कितना बताया, 15 मीटर। 15 मीटर के लिए कहा यार ये तो फ्री फॉल है। हाँ क्या ना, फ्री फॉल में क्या होता है, v2 - v² - u² = 2s। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 2 × एक्सेलरेशन कितना, -10 ही मान लो, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी, -15। नहीं आई बात समझ में? हाँ भाई कोई डाउट? -10 एक्सेल नहीं, v² - u² लिया, अगर इसको ऐसे लोगे तो फिर तो ये ऐसे मान, -10 का होल स्क्वायर रहेगा तो +10 ही हो जाएगा, v² - u² ले रहे हैं अभी तो, 2 × -10 × 10, तो ये कितना हो गया, 15 × 30, 30 × 300, तो 300 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, v² - 100, तो एक तरीके से v² = 400, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। कोई डाउट यहाँ तक? +-20 आएगी, लेकिन पानी नीचे गिर रहा है तो कितना लेंगे, -20। तो इसका मतलब जब ये वाला फॉर्मूला था इसमें डाल दो तो क्या आएगा, 1 × 10⁻⁴ × 10 = a2, जो कि निकालना है, और वेलोसिटी कितनी, 20, तो 10 से काटा, 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया, तो 1/2 × 10⁻⁴ = एरिया, हेंस 5 × 10⁻⁵ m². दैट्स ओपन। कोई डाउट है तो बताए, एक बार लिख लो, पहले ये डेरिवेशन लिख लेना, फिर अगले लिख लो, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लिख लो, थ्योरी के लिए एक पेज छोड़ देना चाहिए।